हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो चीक बाइट से रिलेटेड है कि माउथ के अंदर चीक बाइट होने से क्या क्या हो सकता है, और रिकरेंट चीक बाइट अगर हो रहा है, क्रोनिक मतलब बहुत लंबे समय से एक ही जगह पे बार बार आपके दांत से बाइट मार्क बन रहा है, तो उससे क्या क्या चेंजेज आते हैं और इस चेंजेज को किस तरह से हम लोग समझेंगे उस पर बात करते हैं। और आज ही मैंने एक केस देखा जिनको कि चीक बाइट की प्रॉब्लम थी, और चीक बाइट ऐसे पर्सन में होता है जिसको कि कोई भी हैबिट नहीं है, तो ऐसा कब कब हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि नॉन हैबिचुअल पर्सन है जिन्हें किसी भी प्रकार की हैबिट नहीं है, प्रॉपर मुंह खुलता है लेकिन फिर भी जो है उनका चीक बाइट हो रहा है, तो ये तब हो सकता है जब पेशेंट का दांत जो है थोड़ा टिल्टेड हो। टिल्टेड का मेरा मतलब है थोड़ा सा गाल की तरफ हो, यानी जो टीथ का अलाइनमेंट है वो टीथ का अलाइनमेंट आपका बकली प्लेस हो यानी कि गाल की तरफ हो, तब आपका जो टीथ है वो दांत जो है आपका वो गाल की सतह को पकड़ लेता है। जब वो आपस में मेस्टिकेट करते हैं, आपस में मैच होते हैं इस तरह से, तो वहाँ पे आपका गाल ट्रैप होता है। तो इसको आप किस प्रकार से रोक सकते हैं, तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर किसी पर्सन को कोई हैबिट नहीं है और चीक बाइट की समस्या है, तो इसमें जो है फिजिकली जो आपका टीथ का अलाइनमेंट है वो माल अलाइन्ड है, तो आप टीथ को अलाइनमेंट करवा सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर जो दांत बको भर्जन है उसे आप बिल्कुल स्मॉल करा सकते हैं, छोटा करवा सकते हैं, उसकी कैपिंग करवा सकते हैं स्मॉल करके। उसके अलावा जो आपका टीथ है शार्प पॉइंट जितने भी हैं, जितने भी शार्प पॉइंट है उन सब पॉइंट को आप जो है अपने निकट के डेंटिस्ट के पास जाके चिकना करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि चीक बाइट की समस्या से वहाँ पे जो है एक मिलानिन का रिलीज होता है, यानी कि वहाँ पे दाग धब्बे भी बन जाते हैं या फिर एक गांठ टाइप का बन जाता है, क्योंकि आपका जो चीक है वो बार बार ट्रैप हो रहा है। तो इस दाग धब्बे को जाने में आपको एक समय चाहिए, ड्यूरेशन चाहिए, जब आप सारे फैक्टर को हटा देंगे तो फिर ये जो दाग धब्बा है ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा, जो गांठ है वो भी उसका साइज भी धीरे धीरे करके श्रिंक हो जाएगा। तो ऐसे पेशेंट्स जो कि इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं वो कभी कई बार बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कुछ इंसिडेंसेस को लेकर के, कि मेरे आसपास में ऐसा घटना हुआ था तो ऐसे हो गया, यानी कि उनके मन में एक डर होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ऐसे पेशेंट्स को डरना नहीं है, जिन्हें की कोई भी हैबिट नहीं है और फ्रिक्वेंट चीक बाइट हो रहा है, तो उसे इग्नोर भी नहीं करना है, बट बेवजह वहम नहीं पालना है कि मुझे कुछ हो जाएगा या ये फिर कोई बड़ी बीमारी बन जाएगी। उचित सलाह आप लें, सही जगह अपना इलाज करवाएं और सही से अपने टीथ का अलाइनमेंट करवा सकते हैं आप, या फिर उसे ट्रिमिंग करवा सकते हैं, और जो भी वहाँ पे स्कारिंग की समस्या है वो धीरे धीरे करके रिजॉल्व हो जाएगी जब आप उससे एसोसिएटेड फैक्टर को रिमूव कर देंगे। और ऐसे पेशेंट्स को जो है मिलानिन वहाँ पे रिलीज हो सकता है, क्योंकि क्रोनिक जो है वहाँ पे इरिटेशन बना हुआ है, तो नीचे जो बेसल सेल है वो मिलानिन को रिलीज करते हैं, तो वो सरफेस पे, सुपरफिशियल सरफेस पे आ सकता है। ये कोई बड़ी चिंता की विषय मतलब कोई भी ऐसा चिंता का बात नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।